जी इलाज करवाना है, इलाज नहीं हो रहा है, अंदर नहीं गया, ना पुर्जे ना कटा था किया कर। हाँ इलाज बंद है, बच्चा के सुया दे। गए बुलाने के लिए तो बोल रहा है कि हमारा जो अपना होगा सेफ्टी, हम सेफ्टी के लिए मांग कर रहे हैं, हमारा मांग पूरा नहीं होगा जब तक हम बच्चा को नहीं दिखेंगे। आईसीयू में हम अपने बच्चा को भर्ती किए। कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर की हत्या के मामले ने पूरे देश के डॉक्टरों को हिला दिया है। इस अमानवीय घटना के विरोध में उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल SKMCH में डॉक्टरों ने हड़ताल का ऐलान किया है। 4 दिन से OPD बंद है और इमरजेंसी सेवाओं पर भी असर पड़ा है। सामने आई तस्वीरों में डॉक्टर अपने हाथों में पोस्टर लेकर जस्टिस की मांग कर रहे हैं। अस्पताल परिसर में तैनात सुरक्षा कर्मियों और हड़ताली डॉक्टरों की मौजूदगी ने स्थिति को और तनावपूर्ण बना दिया है। SKMCH में इलाज कराने आए मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। OPD बंद होने के कारण लगभग 2000 मरीजों को बिना इलाज लौटना पड़ा है। राम उदय यादव जैसे मरीजों की समस्याएं भी गंभीर हैं। उनका कहना है कि उनका बच्चा ICU में भर्ती है, लेकिन इलाज की कमी के कारण उसकी स्थिति गंभीर हो गई है। डॉक्टरों के हाथ जोड़े जाने पर उन्होंने सख्त शब्दों में अपनी पीड़ा व्यक्त की है। और मेरा बच्चा वो ICU में भर्ती किए हुए हैं, यही लोग है ना, वो शाम से ही यही लोग भर्ती किए हुए हैं, अभी तक कभी गए नहीं देखने इमरजेंसी में, अभी तक नहीं। गए बुलाने के लिए तो बोल रहा है कि हमारा जो अपना होगा सेफ्टी, हम सेफ्टी के लिए मांग कर रहे हैं, हमारा मांग पूरा नहीं होगा जब तक हम बच्चा को नहीं दिखेंगे। ICU में हम अपने बच्चा को भर्ती किए हुए हैं। हम सीवर से आए हुए हैं, राम उदय कुमार यादव। MBBS 3rd ईयर के छात्र जिशान अहमद ने लोकल 18 को बताया कि डॉक्टरों को पढ़ाई के दौरान मरीजों की सेवा और उनकी जान बचाने की शिक्षा दी जाती है, लेकिन जब डॉक्टरों की खुद की सुरक्षा खतरे में हो तो मरीजों की सुरक्षा का सवाल और भी गंभीर हो जाता है। जिशान ने कहा कि बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना और उसके बाद एक अन्य मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों पर हमला, यह दर्शाता है कि अब डॉक्टर भी सुरक्षित नहीं है। इमरजेंसी बंद करने का सिंपल सा रीजन ये है कि सरकार को अपने तरफ हम लोग ध्यान केंद्रित कर सके। हमारी डिमांड पहली ये है कि जो रेपिस्ट हैं, जिन्होंने मर्डर किया, रेप किया, उनको ज़्यादा जल्द से जल्द सज़ा मिले, उन्हें फांसी हो। दूसरा जो डिमांड है वो हमें एक सेफ इन्वायरमेंट गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, CPA सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है गवर्नमेंट उसे लागू करे, क्योंकि आए दिन ये देखा जाता है कभी जो पेशेंट आए हैं उनके फैमिली मेम्बर्स के तरफ से, कभी किसी के तरफ से डॉक्टर्स पर असॉल्ट होते रहता है। तो जब हम खुद सेफ नहीं रहेंगे तो हम कैसे किसी को ट्रीट कर सकते हैं? क्या हमारी ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं है? हम भी तो आम पब्लिक की तरह ही है, बस यहाँ पर अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। तो हमें सेफ्टी ज़रूरी है। तो जब तक CPA लागू नहीं होता, जब तक जो रेपिस्ट है उन्हें सज़ा नहीं मिलती, हम इस प्रोटेस्ट को कंटिन्यू रखेंगे। मेरा नाम जिशान अहमद हुआ, मैं 3rd ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। डॉक्टरों ने सरकार से मांग की है कि डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून तत्काल प्रभाव से बनाया जाए। सरकार ने पहले भी ऐसे वादे किए हैं, लेकिन उनके न निभाए जाने से डॉक्टर अब और भी निराश और आक्रोशित हैं। यदि उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो डॉक्टरों ने आगे भी OPD और इमरजेंसी सेवाओं को ठप रखने की चेतावनी दी है। जी इलाज करवाना है, इलाज नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। नेवरा से आए, मीनापुर से गए थे, अंदर क्या बोला? नहीं बंद है, सब बंद है। कब, कितने देर से यहाँ आए हुए? 2 घंटा से, 3 घंटा से बैठे हुए हैं, 9 बजे 8:30 बजे से, 9 बजे बैठे हुए। कोई इलाज नहीं, कोई नहीं पूछने वाला है। हाँ क्या हुआ? थोड़ा माथा में चोट लग गया है, देखा आदमी दिखाने आए। तो क्या बोला, इलाज नहीं हो रहा? नहीं गए अंदर, अभी तो बंद है, कटा रहा है, क्या करेंगे? हाँ ये बच्चा हुए परसेंट हुए गिरा हुआ है, देखिए आप बैठे हुए हैं कि जो इलाज कराएंगे, खून जम जाएगा फट्टी में। तो मैंने आए हैं मीनापुर से, अंदर गए थे तो क्या बोला? अंदर नहीं गया, ना पुर्जे ना कटा था, किया कर बंद। देख सकते आप भी इलाज करवाने आई हैं, कहाँ से आई हैं? शाही जीवर से। इलाज बंद है? हाँ इलाज बंद है, बच्चा के सुया दे कुत्ता काट रही है, तो 2 गो पड़ गया है, तेरा बात बंद है। और बच्चा के दिखाने वाला है तो डॉक्टर साहब नहीं बैठ रहा है, ये कोई गारंटी नहीं है जो कई दिन में खुलेगा। हाँ 2 दिन आपसे तो चल गई, मरेगा वो बच्चा, मरेगा भाई सियान मरेगा। तो ये तो हाँ दूर दूर से आते हैं, चाहे लगे में है, इलाज ना होगा तो बचेगा को किया। इस समय पूरे देश के डॉक्टर एकजुट होकर अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, और यह हड़ताल इस बात की गवाही देती है कि चिकित्सा क्षेत्र में भी सुरक्षा और सम्मान की आवश्यकता कितनी महत्वपूर्ण है। लोकल 18 के लिए मुजफ्फरपुर से ऋतु राज की रिपोर्ट।